पापा ये लो टिफिन। आज रोटी लाने में इतनी देर कैसे होगी? पापा मैं पढ़ाई कर रही थी। कहीं करेगी पढ़ी लिखी ना? मैं अंग्रेजी स्कूल में जाऊंगी। नहीं जाऊँ स्कूल स्कूल, तू घर जाए ना काम कर। ये टिफिन लीजिए। पोस्ट में डरे क्यों रही हो? हमको लगा भैंसिया है। हम तो क्या भेजते हैं, दिखते हैं क्या? दिखते तो हो। चलो बोलो क्या काम है? पोस्ट देने आए थे पर नहीं देना आपको। अरे काहे नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे। रुको रुको, देते हैं। दीजिए दस्तखत कर दीजिए यहाँ पे। दस्तखत? अरे दस्तखत। हाँ दस्तखत। अरे दस्तखत दस्तखत। अरे डोहर दस्तखत। अब ये पढ़ भी दीजिए भैया। नहीं नहीं हमें और ज्यादा पोस्ट देने। अरे भैया नहीं पढ़ना हमको। अरे टुटुन मौसी ये खत पढ़ दीजिए ना। नहीं नहीं आज मेरा उपास है, मैं कोई खतवत नहीं पढ़ूंगा। किसने बोला? पंडित जी ने मुझे मना किया है, आज मेरा उपास है, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। अरे अरे कजरा रे तेरे काले काले। अरे ये चंपकलाल देख लेगा तो जान खाएगा। अरे विनोद 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 भाई खत पढ़ दे भैया। पढ़ना है। ये लो हम शाम को पढ़ेंगे। शाम को कहे? हमें सुबह दिखाई नहीं देता। ये कौन सी बीमारी जिसमें सुबह नहीं दिखाई देता? अरे कल डॉक्टर ने बताया। कौन से डॉक्टर ने? अरे डॉक्टर विनोद। अरे भैया पढ़ दीजिए ना। शाम को। अरे अरे ए जमरू ए जमरू कुत्तू ताड़ी पीन ना चोरे जमरू। ए जमरू 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 हाँ ये खत पढ़ दे भाई। क्या छत पे चढ़ जाऊँ? अरे खत पढ़ दे खत। अरे तो चिल्लाए कह रिया पढ़ रहा हूँ। पढ़ो ना भाई पढ़ो। अरे इतनी पास क्यों? अरे पप्पी लेगा क्या? अरे भैया पढ़िए ना। अरे तो इतना जाग क्या रहा है? वो मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं इतना कीड़ा है तो खुद ही पढ़ ले। अरे अरे भाई भाई नहीं नहीं लगता है गांव में कोई नया आया है, इसी को बोलता हूँ खत पढ़ने का। अरे भाई। हाँ भाई। भाई ये खत पढ़ दो ना भाई। क्या पढ़ दूँ? अरे पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो। अरे पढ़ दो। अच्छा पढ़ना है। अरे भाई इतने बास का रो नहाए नहीं हो क्या? तीन दिन से नहीं है, साबुन नहीं है ना। अरे भाई तो दूर रहो यार। अब इसको कैसे समझाऊं कि मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता। ये का देख रहे हो? अरे सिग्नल नहीं आ रहा है। इसमें कौन सा सिग्नल होता है? आया आया आया। बोलो ना पढ़ना नहीं आता। अरे भाई यार रुको सिग्नल आ रहा है। लगता है आपको भी पढ़ना नहीं आता। हाँ नहीं आता जाओ। अरे पोस्टमैन। अरे पोस्टमैन भाई ये खत पढ़ दीजिए। अरे सुबह से दियो तो दूसरा से पढ़े ले तो। गांव में किसी को भी पढ़ना नहीं आता। अच्छा अच्छा चलो मैं पढ़ दूँ। मेरे प्रिय दामाद चंपालाल, तुम्हारे सास ससुर। काहे रो रहे हो? काहे रो रहे हो? काहे रो रहे हो? कुछ नहीं हो मेरे सास ससुर को, दिन भर रोता रहता है खाली। भैया आप पढ़िए ना पढ़िए ना। पढ़ते हैं। मेरे प्रिय दामाद चंपालाल, तुम्हारे सास ससुर की तरफ से ये खत है तुम्हारी धर्म पत्नी। कहे रो रही हो? कहे रो रही हो? कुछ नहीं हो मेरे हमारी पत्नी को, दिन भर रोता रहता है खाली। भैया आप पढ़िए ना, हमारी धर्म पत्नी। हमारी नहीं यार तुम्हारी, हमारी तो किस्मत में ही नहीं है। अरे पढ़िए ना पढ़िए। मेरे प्रिय दामाद चंपालाल, तुम्हारे सास ससुर की तरफ से खत है तुम्हारी धर्म पत्नी ने कल रात को दो बछड़ों को अरे बछड़ो नहीं बच्चों को जन्म दिया है। सच? देखो मैं पापा बन गया, गांव वालों मैं पापा बन गया। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खत पढ़ा। कोई बात नहीं, पर बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते बड़े लोगों कि बच्चों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। चाहे हो लड़का पढ़ने का सबको सम्मान अधिकार।
next performance is of code N and 2. Codes N and 2 and 3 and 4 are requested to proceed to the backstage. हाँ सर, इसको रोक दो। हेलो जिसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं और माँ बाप अकेले ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं। आइए देखिए बागवान। बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। वैसे हम यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आए हैं। बच्चों को काम से बाहर जाना पड़ा, वैसे अगले हफ्ते हमारा बेटा आकर हमें यहाँ से ले जाएगा। वीर जी, नीत जी, ये सब कहने की बात है, सभी है कहते लेकिन वापस कोई नहीं आता। हाँ, एकदम सही कहा, बल्कि मैं अभी उसे फोन करके पूछता हूँ कि वो ठीक ठाक पहुँच गए। हाँ बेटा, हेलो। हाँ बेटा। पापा, अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर से कॉल करता हूँ। तूने ठीक से खाना खाया? माँ, खा लूंगा, थोड़ी देर से कॉल करता हूँ। Thank you.
देखते देखते 10 दिन बीत गए पर बेटे का कोई फोन नहीं आया। आखिरकार पिता खुद ही फोन करते हैं। दस दिन हो गए बेटा, तू कब आएगा? तेरी माँ की तबीयत भी खराब है। पापा आप वार्डन को बोलो वो दवाई दे देगी। बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करो। एक महीना होगा बेटा। पापा आप हो ना उनके साथ, मैं कुछ मीटिंग खत्म करके आता हूँ। अब तो आप इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। क्या हुआ? क्या कहा उसने? कब आएगा वो? उसने कहा वो जल्दी आएगा। 6 महीने बीत गए। जी अब तो ऐसा लगता है कि यही हमारा घर है। क्या हुआ क्या हुआ? पति पत्नी के लिए पानी लाता है और उसे पिलाता है, मगर बेटे के इंतजार करते हुए माँ की मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? पिता बेटे को फोन करता है और रोते हुए कहता है, पापा आप चिंता मत करो, मैं आज ही अपनी सारी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। देखा आपने किस तरह माँ की मृत्यु हो गई पर फिर भी बेटा नहीं आया। और 2 दिन बीत गए, पति पत्नी की तस्वीर के सामने ही बैठा है। दो दिन बीत गए, आप कुछ खा लीजिए। हे भगवान, ऐसी औलाद किसी को ना दे। नहीं नहीं, वो कहीं फंस गया होगा, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। नहीं उठाया ना? क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। डॉक्टर को नहीं, भगवान को बुलाओ और पूछो उससे कि किस जुर्म की हमें ये सजा दी है। महीने गुजर गए, साल बीत गए, इस ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर तू तो नहीं आया बेटा, पर कभी कभार कुछ पैसे आ जाते हैं। पर जब तक तेरी माँ थी वक्त कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। बस एक बार बेटा अपने गले से लगा ले बेटा, बस एक बार अपने बच्चों से मिला दे बेटा, बस एक बार। इन फूल
क्या चाहा था और क्या पाया सोच पाग कट 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 अरे भाग्यवान गेट खोलो जाना ना गेट खोल दे नीताम खोल दो मसान को लो कहीं भी काम नहीं करे बंद ले दो मकदा आई क्या तुम हाँ आई गो आई गो कहीं काम करे तुमने आज खेत पे अरे कुड़ा पे कहीं काम करो वो पाना कर रहे थे पानी में क्यारा में पाना तो पानी एक एक क्यारो पियो लाइट चलेगी लाइट दे मसान को लो लेन वालों भी मरी क्यों हाँ लेन वालों एक ये डेढ़ क्या रुपये पानी जाए रहे ये लल्ला कहीं कर रहे हो हम पढ़ी रहे हैं तो पढ़ी रहता माँ कहाँ खेत पे जा कुड़ा पे जा तो इन बारों खेत नहीं है माँ अच्छा पानी आ जाए लाइट आ जाएगी पानी पिलाना अरे वोट एग्जाम है अरे वोट अरे माँ का बढ़ना भी नहीं दे रहा है वोट अरे माँ बच्चा पानी खानो लगाओ जा खानो लगाओ खानो पोस्ट वाला पोस्ट वाला अरे खानो लगा तुम तो पोस्ट वाला पोस्ट वाला पोस्ट वाला ए क्यों रहा है अबे तो धरा क्या क्या रोटी खानो खा रहे हो मैं खाना तो क्या करो तो खाना तो क्या खाना अंदर ही आ जाएगा भाई तो डरा दो हां तो अबे अच्छा बोल बोल के आ तो नहीं खाना डरा हां तो कत को चिल्ला रही हो कत को कहां चिल्ला रही हो आ रहे तुम बाहर के रोटी खा आ जाओ अंदर के भीतर अरे कत को चिल्ला रही हो हां तो बोल कहीं के रहो कत आयो थारो
अरे बता हमारा कहीं फंसा है वो पढ़ो के देखो ये के परचो दियो ये के आयो ने अरे ये क्या है हां अरे ठीक है पाचन लिख मिलियो तू दस्तखत कर आ रहा अच्छा फटाफट तबार बात सुन दस्तखत क्यों करूं मार जमीन का कागजात ले आओगे तो फिर तू खतरी जमीन है ठाकुर ने हां तो मारा गन जमीन है जमीन है हां तो ना देखो दस्तखत नहीं आता मार तो अंगूठा लगा है जमीन देता नहीं अरे जमीन को दे दे धारा मारो फायदो चालो हां तो काय को फायदो करते तो डाक वाले का जमीन साइन कर बेटा ये बता खेत का पेपर तो नहीं है नहीं अरे नहीं है हां तो खेत का पेपर फिर साइन नहीं करवाऊं हां हमारे पास सुन मारा साइन थोड़ी नहीं आते मारो पर लेट का मैं उठाई तो लेट मैं तो ऐसे देख रहे तो चाल रही है अंगूठा लगावे को हां अंगूठा लगा दूं लगा ले हां बस मारे पास सुन जा करियो आई तो आ दो हां तो के बाचिन तो बता अरे मारे डाग अरे मारे बाचिन बाचिन बता दे अरे तू बाच लीजिए कि अरे ए ए ए बाच बाचिन ने बता पर्चो दे गयो पर्चो बाच ने बता दो यो पर्चो हाँ यो आईडी से तू पढ़ाएगा नहीं आई उल्टा मेरे पास सुन हां आई थी पढ़ा वो हां आई थी पढ़ा रहे हो ने हां आई थी पढ़ा रहा काई पढ़ते पढ़ रहे हो अरे वो देखनो पड़े नहीं काकी कैसा सारी सारी साठ पढ़ाए तू तो आज का तो आई न्यू पकड़े के न्यू अरे न्यू नहीं न्यू है मारे याद है मारे याद बनता खरे याद तो मार पड़ता नहीं याद तू पढ़ बाबा नहीं बनलो ले ए ए ठाकुर ए मलबा का रामो पता मत थारे रामो रामो का नाना आओ दे मलबा का कोई तो रामो का नाना थी थारे बताऊं मामू प्रधानमंत्री एक ही पर्चो देखो मेरे पास सुन आई थी बाचड़ो है के कहां का ना पाछ आई से बाचड़ो अरे आई थी बाचड़ो आई से बाचड़ो देख देख यो यो तो उल्टा अक्षर देख रही मारे अनार का रे सरपंच तू कहां से कने बनाए सरपंच थारे सरपंच बनाए कने थारे अरे मैं जा रहे हो अभी गांव में सबके बतानो ए मेरे पास सुन कने बनाए सरपंच थारे तो बात नहीं आते थारे गांव वाला बनायो मेरे पास सुन गांव वाला बनायो बस में दो टिकट भर दिए हमारी दो दो टिकट अरे अरे कई लीक मिलो रे मैं बात नोनी अरे मैं बात नोनी अरे रे मारे ए ए लल्ला मां मैं आ गया मां ए ए लल्ला आ गयो आया ना वेट मत मारे गणे तो बैठ तू आई बैठ आ गए हां कहियो बाप मेरे पास सुन एक डाक वालो आए तो पर्चो दे गयो तो क्यों आए तो पर्चो दे के मारे रे बात नोनी तू स्कूल जाने ना ना तो थोड़ा बात ने बता दे मारे ये कहता न्यून बात ही दो अरे बात ने फिर अरे अनार का अरे अनार का तो अनार का यहां थोड़ी डबल अनार दिया देख लो अनार को क्या थोड़ी यार रखो का अनार को अरे एक भाई यो लियो अनार का आम का इमली का तो भाई स्कूल में पढ़ा हुआ है अनार अनार को ने ये पर्चा में अभी तो यो लिखियो यो थोड़ी है नीक में यो लिखियो मेरे पास सुनो पूरा बात नहीं बता तुम्हारे अरे माफ कर नहीं आई बात का ए का का जा रोटी पहले बात के बता दे फिर रोटी खा जे पर ना नो ना जतो बनावे तो कई कई मतलब नहीं बनावे तो कने बननो नहीं आ रियो तो बागेवान लाड लाड बेगार बागेवान अरे बागेवान जो देखो गेट पर बनायो बागेवान का लाड प्यार ने बगाड़ मिलो नाना के बने ही नहीं राम राम बहन गुणोत्तम नमस्ते बहन जी मैं आपके गांव में नई शिक्षिका के रूप में दाखिल हुई हूं मुझे थोड़ा सर्वे कर ली थी तो थोड़ी जानकारी दे सकती हैं आप अपनी सुनो तो कैसे मैम आई है कौन आयो बेटा मैं गई हां तो ऊपर आ गया बेटा मैं तो एक तो पेंट भी सी आई नहीं ये कड़ी जा रही नमस्ते भाई साहब जय राम भाई साहब मैं आपके गांव के स्कूल में नई शिक्षिका दाखिल हुई थी अच्छा तो मुझे सर्वे के लिए भेजा गया है तो आपकी थोड़ी जानकारी चाहिए थी आप बता देंगे मुझे मेरे पास सुनो जानकारी बाद में दूंगा पहले यहां बता बनना आ रहे नहीं तुम्हारा
घर थोड़ी ले जाना पढ़ने बाकी बता रहे तो आपने पढ़ा होगा ना उसको पहले तुम वो बंड ले तो तुम्हारे को दे तो अच्छा ठीक है मैं पढ़ के बताती हूँ सुनिएगा वाचन बताओ ये जो खत है ना कोर्ट के द्वारा आपके पास आया है कोर्ट जो कोर्ट कहीं होंगे कचहरी 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 क्या है मुकदमे चलते हैं ना जहाँ पर मुकदमा चले मुकदमा हाँ तो इसमें ऐसा लिखा है उम्र आई थी देख ली रहो हमारा अरे सुनिए भाई साहब हाँ देख रही हूँ इसमें लिखा है आपकी जो सड़क के पास वाली जमीन है ना वो सड़क के नव निर्माण में दाखिल की गई है तो उसके लिए आपकी जमीन काट दी गई है सड़क हमारी जमीन सड़क में चलेगी रोड में जमीन चलेगी हमारी हाँ चली गई रोड में जमीन गई हाँ सुनिए कोर्ट के द्वारा ना आपको 3-4 बार नोटिस दिया गया था हाँ। और आपने उसे नजरअंदाज किया था तो मारे मालूम का कई मालूम नाना का स्कूल कॉलेज वहाँ जाओ गए आपने नजरअंदाज किया था तो कोर्ट ने भी निश्चित किया कि अगर आपका कोई जवाब उनको नहीं मिलता है तो वो आपकी जमीन को नव निर्माण में शामिल कर लेगी और आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा मुआवजा नहीं मिलो नहीं तो जमीन जमीन चाहिए रही चले गई पूरा जमीन गली चले गई जमीन चले गए हमारे पास सुनो हाँ तब कहीं कह रहे थे बाबा मेरे को थोड़ी जानकारी चाहिए थी आप लोगों के आप दे सकते हैं दे देंगे नहीं अच्छा तो आपका नाम क्या है मेरा नाम रमेश है अच्छा रमेश आपकी वाइफ का नाम वाइफ का नाम बाप के मां का नाम सरिता वाइफ वाइफ नहीं बोला मैं तो अच्छा बच्चे हैं आपके बच्चों लल्लो बैठो है कहाँ तक पढ़ा हुआ है आपका बच्चा लल्लो ये लल्ला 5वें महीने तो बाहर चले जावे अच्छा तो आप उसको छोड़ने आया कीजिए ठीक है और कल आप आके स्कूल में बात कीजिएगा और प्रिंसिपल मैम से मिलिएगा ठीक है हाँ, जान, और इसके पढ़ाई की बात कीजिएगा ठीक से हाँ, जान। है ना हाँ, हाँ, हाँ। जानकारी के लिए शुक्रिया भाई साहब हाँ, ये लल्ला मेरे पास सुन अपने जमीन जमीन चल गई रही मेरे पास सुन ए लल्ला अरे ए लल्ला मेरे पास सुन जमीन जमीन चल गई नुके रही है थैंक यू Next performance is of court NN4. Court NN5 is requested to be ready backstage. Stage and not at the corners. Thank you.
कोड NN4 कैन स्टार्ट विद देयर परफॉर्मेंस. फिर से तुम्हारी किचकिच चालू हो गई. जा रहा हूं मैं, नहीं करना मेरे को नाश्ता. तो देखा आप लोगों ने, ऐसे ही लोग कोविड फैलाने का कारण बनते हैं. और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया. तूने मास्क नहीं लगाया? अरे यार तू भी मत शुरू हो जा. चल ठीक है, अब काम करते. बॉस ने काफी सारा काम दिया है. चल ठीक है, काम कर. और यही सिलसिला अगले कुछ 3-4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा. देखते हैं आगे क्या होता है. आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप इसको जरा देखिए. इसको क्या हो गया है? क्या हो गया आपको? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी खांसी हो गई है और कुछ नहीं. प्लीज़ आप इसको डॉक्टर को दिखाइए. ठीक है, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ. हेलो हेलो डॉक्टर को, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई है. अच्छा, तो आप जल्दी से आधे घंटे में आ जाइए. ओके. तो देखा आप लोगों ने, यही लापरवाही के कारण आदित्य हो गए बीमार. आइए. नमस्ते मैम. नमस्ते. इनकी सुबह से तबीयत खराब हो रही है, आप एक बार चेक कर लीजिए. एक मिनट. इसे जाके लैब में दिया. मैम रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट जब तक बन जाएगी तो मैं आपको कॉल लगा दूंगी और आप उसे कलेक्ट करने भी आ जाना. ओके थैंक यू मैम. और आदित्य की ये लापरवाही के कारण आखिरकार वो हो गए बीमार. इसीलिए कहा जाता है कि जब लोग बोलते हैं तो सुननी चाहिए.
हेलो हेलो जी, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट आ गई क्या? जी आपके हस्बैंड कोविड पॉजिटिव है और उनकी 60% लंग डैमेज हो चुके हैं। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसको कैसे संभालूंगी? मैम आप फिक्र मत कीजिए, होप रखिए, आप उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करवा दीजिए। ठीक है मैम, मैं जल्दी कुछ करती हूँ। और इसी प्रकार 10-15 दिन के आदित्य को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और उसके 10-15 दिन के ट्रीटमेंट चलने के बाद आखिरकार आदित्य की तबीयत ठीक हो गई। लेकिन 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 ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आदित्य की तरह ट्रीटमेंट लेकर जल्दी ठीक हो जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने पिछले 2 सालों में देखा, हमारी वर्तमान पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी और तो और हमारी बीती हुई पीढ़ी कि हमने कई सदस्यों को हमारे बीच में से खो दिया। अब जैसा कि आपने आदित्य को देखा, या तो ये उनकी शारीरिक क्षमता थी या भगवान का कोई चमत्कार, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसीलिए याद रखिए 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी और 2023 में यही निर्णय है जरूरी। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज ऑफ कोड NN5। अरे मैं बोल रहा था मुझे करना, आप एक लेना मेरे इनके साथ।
सुनो भाई 10 मिनट की बात है, कुछ तो इसमें खास है। 10 मिनट की बात है, कुछ तो इसमें खास है। अरे तुम्हारे लिए चलकर आए, तुमको ये समझाने आए। अरे ध्यान सुन लो, बात हमारी दूर करेंगे समस्या सारी। समस्या तो है बहुत सारी। इसीलिए तो आए हैं झमुरा और मदारी, जो दूर करेंगे समस्या सारी। बात नहीं है जुल्म की और सर मरोड़ा है सांप का, देखो कैसे कुंडल मारे बैठा है जोड़ा सांप का। तो मेहरबान और कदरदान, जब ये चमेली की जड़ में घुसकर बैठता है तो इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इससे खेलता है। क्यों खेलता है, किस लिए खेलता है? काफी पेट के लिए खेलता है। तो बच्चों भाइयों ताली। अरे मेरा झमुरा तक नहीं आया, अभी मैं अपने झमुरे को बुलाएगा, झमुरा आएगा करतब दिखाएगा। झमुरे। अरे दीवानो, मुझे पहचान दो, कहाँ से आया? समोसा कचौड़ी सब तुझे खिलाया है, झमुरे तो फिर भी लेने आया है। अरे उस्ताद क्या बताऊँ, मदद करूँ कि समोसा खाऊं? यो झमुरे ऐसा क्या हुआ? अरे उस्ताद रास्ते से जा रहा था, गाड़ी भगा रहा था, गाड़ी ढूकी तो समझा खुद ही को उल्लू बना रहा था। फिर क्या हुआ झमुरे? तो उस्ताद ले चलूँ तुम्हें वहाँ। अबे बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता, कब से हार बजा रहा हूँ। गाना सुन के जा रहा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, गुनगुना रहा था, कान में टूटे थे हेडफोन, तुमने मुझे हॉर्न दिया, मैं नहीं सुन पा रहा था। तो मतलब जितनी छोटी उम्र उतनी तेज रफ्तार, और गाड़ी इनकी पकड़ी गई तो माँ बाप पे आएगा भार। अब तुम देख लो इन बिहार लोगों को, गाड़ी पर तनकर बैठना है, कान में डुच्चा फसाना है। अरे उस्ताद इन्हें गाने सुनने से फुर्सत नहीं, इन्हें जिंदगी का कोई गम नहीं। इनको ध्यान दे, छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने ना दे। अरे मक्खी मच्छर बाघ का बन जा, जा जमुरे कुछ भी बन जा। अरे उस्ताद ये क्या झमेला चल रहा है? अरे सुन। अरे भैया ये लहराती हुई दिल पे लेकर कहाँ जा रहे हो, इतनी तिरबिन्ना कहाँ से आ रहे हो? अरे उस्ताद बोरिया बिस्तर बांधो और चलो यहाँ से, अब अपुन को यहाँ नहीं रहना, खोपड़ी गाड़ी बगाते हैं, किसी को क्या कहना। अरे हेलमेट का वो झमेला यार, इसने स्टाइल का काम बिगाड़ा है। अरे अंधी है या आंखें जो देख नहीं पा रही है सच, अब क्या बाल बनाना जरूरी है गाड़ी चलाते वक्त? लेकिन हेलमेट पहनना क्यों मैटर करता है? भाई मैटर तो बहुत करता है, हेलमेट नहीं पहनोगे हॉस्पिटल या सीधे भगवान के घर जाओगे। तो ध्यान दे, जान अपनी सुरक्षित करे, हेलमेट लगाके सुनिश्चित करे। जान अपनी सुरक्षित करे, हेलमेट लगाकर सुनिश्चित करे। अरे झमुरे पब्लिक को थोड़ा एंटरटेनमेंट तो कर रहे, जरा कूद के दिखा, जरा कुछ चला बाजी खा। मैंने बहुत सारी वैसे ले लिए दो के चार चार का ग्रुप बना। अरे बैठ झमुरे बैठ, जरा देख इनकी शक्लों को, जरा देख इनकी शक्लों को। अरे उस्ताद काकू जैसी दिखती है, इसे देखो इसको चेहरा। अरे सुन, चेहरा इनका ढका हुआ है, रक्षा इनकी खाली है,
तीन सवारी बैठाकर कर दिए नादानी है, कर दिए नादानी है, कर दिए नादानी है। अरे अब इन्हें कौन समझाए, तीन गाड़ी से अच्छा एक गाड़ी पर जाए। अरे चलान से बचना है तो दो से ज्यादा ना बैठाए, ऐसे चुप चुप के गली गली तो ना जाए। अरे क्या हो रहा है भाई साहब, ने क्या बात बोल दी। अरे अभी तक क्या उस्ताद, अपनी तो आँखी खोल दी, दिमाग की चाय ढोल दी, तीन सवारी बैठाने वालों की तो बोली खोल दी। इज्जत है इस गाड़ी की, जमुरे इज्जत है इस गाड़ी की जो तीन तीन का बोझ रहा, उसूलों का पालन ना कर गलत तू ये कर रहा, गलत तू ये कर रहा, उसूलों का पालन ना कर गलत तू ये कर रहा, गलत तू ये कर रहा। तो ध्यान दे, तीन बैठाना गलत बात है, पड़ेगा ही तुम पर भारी, नियमों का पालन कर लो, जनहित में है ये जारी, जनहित में है ये सर। नियमों का पालन कर लो, जनहित में है ये जारी, जनहित में है ये जारी। अरे जमुरे यार, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, पब्लिक लोग भी थोड़ा एंटरटेनमेंट मांग रही है। अरे ये क्या, अरे सुन 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 पीकर गाड़ी चलाओगे तो ऐसा ही होगा भैया। चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोके ना किसी ने रोका। क्यों रे पीकर गाड़ी चलाते हो, चलो दादे। देख लिया पीकर गाड़ी चलाने का नतीजा। अरे हाँ हाँ, घिस गई गाड़ी, घिस गई कलाई, ट्रैफिक पुलिस ने भी डांट लगाई। शराब पीकर गाड़ी ना चलाना, चालान का धोखा घर ले जाना। अरे गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, चौराहे पे लोड है, नियमों का पालन कैसे करे, इस चिंता का कोई तोड़ है। अरे उस्ताद ये दुनिया नहीं है सुनने वाली, इन्हें हर बात की जल्दी है, इनको घंटों फोन पे बात करना चलता है, पर दो मिनट सिग्नल पे रुकना इनको करता है। अरे उस्ताद ये 1000 रुपए का वेट पहनना इनको चलता है, पर ये सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं, शराब पीकर फिर ये डिवाइडर में घुस जाते हैं। अरे भाई बात तो तुम्हारी सही है, पर हम करें तो करें क्या। पांच उसूलों को याद रखो, दुर्घटना से दूर रहो। पांच उसूलों को याद रखो, दुर्घटना से दूर रहो। पांच उसूलों को याद रखो, दुर्घटना से दूर रहो। पहला, हेलमेट है सर पर लगाने के लिए, ना कि घर और डिक्की में सजाने के लिए। हेलमेट है सर पर लगाने के लिए, ना कि घर और डिक्की में सजाने के लिए। दूसरा, दुर्घटना से देर वाली ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दुर्घटना से देर भरी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तीसरा, कार में बैठना शान है, अगर सीट बेल्ट ना लगाया तो आप नादान है। कार में बैठना शान है, सीट बेल्ट ना लगाया तो नादान है। चौथा, तीन सवारी कभी ना बैठाना, फिर चालान कटे तो ना पछताना। तीन सवारी कभी ना बैठाना, चालान कटे तो ना पछताना। पांचवा, तेज गाड़ी कभी ना चलाना, आखिर इतनी जल्दी तुमको कहां है जाना। तेज गाड़ी कभी न चलाना। तो भाइयों और बहनों, आप समझ लो कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, खुद के लिए नहीं तो घर वालों के लिए करेंगे। हम शपथ लेते हैं हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, खुद के लिए नहीं घर वालों के लिए करेंगे। क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे साथ, हम ही करेंगे इसकी शुरुआत। हमारी सुरक्षा हमारे साथ, हम ही करेंगे इसकी शुरुआत। हमारी सुरक्षा हमारे साथ, हम ही करेंगे इसकी शुरुआत। बेहतर ट्रैफिक बेहतर इंदौर, बेहतर ट्रैफिक बेहतर इंदौर, बेहतर ट्रैफिक बेहतर इंदौर। Mr. Ankit Parulkar sir is here with us, and it is not possible to let the program finish without his mesmerizing singing. So I would like to request him to please come up.